15 days, we will let them know of the decision kya hoga. Decision sir, administrative department will take. Okay, take up it with the administrative department, throw your chief in here. ठीक है ना, चल वहाँ पर people before the administrative department. ठीक है, thank you sir. ठीक है, ठीक है. ये मुझे बताएं अजीत सर, ये जो एचएलडी रोड सचिव के नाम है, इसमें क्या इश्यू है? मरहम और सचिव पूरा में वो कुछ इश्यू था, वो उसका क्या सिद्ध है? 800 मीटर सचिव पूरा में जो आंध्र हाइड्रोल मिनिस्टर सचिव सर या तो आप मुझे बात करने की, मैं इसमें जानता हूँ पूरा, मैं और मैं गुजर हूँ हमारे, ठीक है, वहाँ पे हमारे, मैं वो नॉलेज आपकी मैं लाना चाहता हूँ कि उनसे एप्लीकेशन भी फॉर्मेट लिया एज पर फॉरेस्ट राइट एक्ट, और उन्होंने उसके बारे में ग्राम सभाएं की, उन्होंने लोगों की क्लेम्स का जायजा लिया. हम इसमें इंक्वायरी चाहते हैं. आई डिमांड वकील साहब, मैं डिमांड करता हूं सीओ साहब, इसमें एक इंक्वायरी की जाए ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल. वी वांट टू सी कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन दी है, और आज की डेट पे जो सरकार ने इसके लिए हद मुकर्रर किया था उसमें नहीं हुआ है. दिस इज अ वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट. वी वांट डीडीसी काउंसिल बनने के बाद आज पहली बार काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सारे डीडीसी मेंबरान, डीडीसी चेयरमैन और जितने भी ऑफिसर है डिपार्टमेंटों के, वो वहाँ पे तलब किए गए थे. आज आपको एक वीडियो के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि चेयरमैन बोलने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी चेयरमैन को, क्योंकि चेयरमैन की कुर्सी कोई और संभाल रहा था और चेयरमैन को भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता. चेयरमैन साहब, ये बताइए कि आप चेयरमैन की कुर्सी पे थे, लेकिन आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, और चार बार नहीं बल्कि 10 बार हमने कैमरा में कैद किया कि 10 बार आपकी माइक छीनी गई, और उसके बाद आप बोल रहे थे. आखिर क्या वजह है? क्या काउंसिल का जो तकद्दस है वो बरकरार नहीं रहता है अंदर, या ऐसे ही कागजों में ही चला रहा जाता है कि डीडीसी काउंसिल के ऐसे पावर? देखिए, हमारे जो ये अफसर काउंसिल में तैनात किए गए हैं, इनको इसके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए बीच बीच में वो बोलते हैं, और इंशाल्लाह आप देखोगे आने वाले टाइम में ये सारा ठीक हो जाएगा. ऐसे 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 चेयरमैन साहब, ऐसे बहुत सारे डीडीसी मेंबर जो है या बीडीसी मेंबर जो है, उनके वो खुद नहीं आए थे, उनके घर वाले आए थे जो आपके सामने वो सारा पक्ष रखे थे. आने वाले वक्त में ऐसा हो जाएगा कि ऐसे ही चलेगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. आज आपको पता है कोविड है, किसी की छाती खराब थी, किसी कोई बीमार था, उसलिए हम उनको यहाँ नहीं बुला पाए. आने वाले वक्त में जो मेंबर होगा उसी को अलॉट किया जाए. कितने काम आपने जो काम वहाँ पे उठाए हैं, तो क्या लग रहा है कि इन कामों का अजाला कब तक हो जाएगा? इंशाल्लाह हमने जो एक काम नहीं उठाया, हर मसला जो लोगों से जुड़ा हुआ था, हर कोई मसला उजागर किया, और हमने क्लियर आज हदायत दे दी कि एक हफ्ते में पूरा जितना भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम होने जा रहा है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसकी लिस्ट काउंसिल में आएगी और सब कामों पर हमारी नज़र रहेगी. बिल्कुल, इधर डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने बात करते हुए यही कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो जाएगा. हालांकि अभी जो है अफसरों को पता भी नहीं है कि काउंसिल का जो तकद्दस है वो कैसे होता है, लेकिन कैमरामैन और आपको विजुअलों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है जो डीडीसी मेंबरान है या डीडीसी जो बीडीसी मेंबरान है, उनके घर वाले आए थे अपना पक्ष रखने का, गाँव का पक्ष रखने का, लेकिन वो खुद मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट भी जो है वो भी मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे. फिलहाल इतना ही. ग्राउंड जीरो से जामुनवाड़ी, एक्सेल शेड न्यूज़, खानाबल, अनंतनाग.